देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। युवराज क्लब द्वारा नगर में खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह खेल सप्ताह 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2017 तक चलेगा। इस खेल सप्ताह का उद्घाटन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री सुमेर सिंह गढ़ा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प माला एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस खेल सप्ताह में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, लॉन टेनिस चैंपियनशिप एवं इंटर क्लब पूल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन के बाद सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। इस अवसर पर युवराज क्लब के सभी पदाधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। सभी संतों के करता लोगनी से आज के शुभारंभ का सभी लोग स्वागत करें। सचिव शरद प्रेमी जी से अनुरोध, वो हमारे अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कोषाध्यक्ष शैलेश पाटी जी से अनुरोध, वो भी यहाँ अतिथि का हमारा स्वागत करें। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री राकेश तिवारी जी से अनुरोध, सह सचिव श्री गिरिराज जी से अनुरोध, वो आए और स्वागत करें। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री हरिशंकर विजयवर्धन जी से अनुरोध, वो भी यहाँ उन अतिथि का स्वागत करें। श्री गोपाल माहेश्वरी जी से अनुरोध, श्री केशव प्रेमी जी, राजेश जैन, श्री महेश सोलंकी जी से अनुरोध। चलो एक मिनट बढ़िया है। लो चाय पिलानी पड़ेगी। विरोध बड़े गर्व से कहा था हमने गीतों में। अरे वाह, इस बार गिर चुके भैया। डॉक्टर साहब की करो। हां डॉक्टर साहब की करो। युवा सुन ले, ओम भाई साहब करेंगे ना तो टॉप क्लास जाएगी। अपना द्वारा खेल सप्ताह के अंतर्गत आज टेनिस, बैडमिंटन एवं पूल तीनों प्रतियोगिताओं का शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवराज क्लब गुना की जो पहचान है नगर में, खेल गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें जूडो, टेबल टेनिस आदि कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित हो चुकी हैं। इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और नगर में खेल के रूप में नई गतिविधियों को संचालित करने के लिए खेल सप्ताह 2017 का आयोजन 24 दिसंबर 2017 से 30 दिसंबर 2017 तक किया गया। स्थानीय होटल राजविलास में अभियोजन अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर एवं जिला मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अभियोजन अधिकारीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अभियोजन अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता पर कार्यशाला हुई। आयोजकों ने बताया कि ऐसी कार्यशाला प्रदेश में सभी जगह पर आयोजित की जाएंगी। शर्मा जी बिल्कुल, इसको शर्मा जी, दूसरा कोई भी हो। माननीय संचालक महोदय अभियान के निरीक्षण में
अभियोजन अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता और उनकी विधिक दक्षता का संवर्धन किस प्रकार से हो, इस क्रम में द्वितीय विश्व की कार्यशाला आयोजित की गई है। आदरणीय कलेक्टर साहब और ये साहब का सानिध्य में आज प्राप्त हुआ है। यहाँ हमने बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया है जो हमारे अभियोजन अधिकारियों को उसके विषय मार्गदर्शन देंगे और ऐसी कार्यशालाएँ पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही हैं। माननीय संचालक महोदय के निर्देशन में आगे भी ऐसी कार्यशालाएँ आयोजित होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू। आज गुना में रघुवंशी महासमाज द्वारा एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में एसआई सतीश रघुवंशी द्वारा आत्महत्या के पत्र में वर्णित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस ज्ञापन में कहा गया कि सतीश रघुवंशी ने अपने पत्र में जिन पुलिस अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए एवं मामले की जाँच सीबीआई द्वारा कराई जाए। इसलिए उक्त वर्णित घटना अपराध मध्य प्रदेश शासन के पुलिस अधीक्षक अशोक नार एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज करना अति आवश्यक है, किंतु वर्णित घटना का अपराध मध्य प्रदेश शासन द्वारा परिजन एवं समाज की मांग पर छोटे बताएं आज आप लोगों ने क्या श्री सतीश रघुवंशी एएसआई को जिस तरह से प्रताड़ित करके सरेआम हत्या करने को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया, उन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की रघुवंशी समाज मांग करता है और उन लोगों पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर सीबीआई से विवेचना करने की मांग करते हुए उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की मांग करता है। अन्यथा हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जन आंदोलन करेंगे। कल दिनांक 22 को जो एएसआई सतीश रघुवंशी थे उनके द्वारा जो आत्महत्या की गई है, हम समाज की ओर से मांग करते हैं कि जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में सतीश रघुवंशी जी लिखे हैं उनके खिलाफ़ तुरंत एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, इसके बाद सीबीआई की भी जांच हो। यदि 48 घंटे में यदि प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम जन आंदोलन करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दौरे पर आने वाले हैं मुंगावली में कोलरस में पूरा समाज उनका घेराव करेगा। गुना के एक निजी स्कूल में ब्रेक थॉट साइंस सोसाइटी द्वारा एक साइंस कैंप का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस साइंस कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाना है। इस कैंप में प्रायोगिक एवं जादू के द्वारा विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। यह कैंप 3 दिनों तक चलेगा। जो हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पहले ही ये सवाल छेड़ा था, इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि सिर्फ किताब में जो कुछ है, जो कुछ किताब में पाया जाता है उसको रटने ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है, ना कोई मेंडल शाह आ रहे, ना कोई सत्यन बोस, ना प्रफुल्ल चंद्र, कि सबके पॉकेट में मोबाइल है, गूगल सर्च कौन किया क्या किया सब कुछ हम लोग जान सकते हैं, दुनिया हमारे मुट्ठी में। साइंस सोसाइटी के द्वारा विंटर साइंस कैंप की अभी शुरुआत की। इस साइंस कैंप में हम लोग बच्चों के बीच में साइंस को लोकप्रिय करने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके माइंड में साइंस का थॉट्स जा सके। बहुत सारे हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। कई सारे हमारे बीच में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, उनके साथ पैनल डिस्कशन होगा कि साइंस को किस तरीके से सीखा जाता है। बच्चों के जो सवाल हैं उनको यहाँ पर डिटेल चर्चा होगी। ये कैंप 3 दिन का है, 3 दिन तक अलग अलग सेशन रहेंगे। एक में हम मैजिक भी दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। यहाँ पे क्विज कंपटीशन भी रखा है हम लोगों ने बच्चों के लिए, ताकि वो साइंस के बारे में अच्छे से सीख सकें। इतना वो स्टडी के दौरान नहीं सीख सकते, वो साइंस हम लोग यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेश जैन ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। वहाँ पर हो सकता है कि बैंक एटीएम इत्यादि ना हो, ऐसी जगह हमारे को साथियों
हम सभी कहीं ना कहीं भोगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी ना किसी रूप में प्रति दिन भोक्ता के रूप में सामने आए। हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, चाहे सामान हमारा किराने का सामान हो, मोबाइल में सिम डलवाना हो, बिजली का उपयोग करना हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है और आज के दिन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में वो लागू हुआ था, इसीलिए हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मैं ये सभी से कहना चाहूँगा कि एक नियम लागू होता है, क्रेता सावधान। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें सावधान होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि छोटे से लालच के लिए हम लोग बिल नहीं लेते हैं और बिल नहीं लेने की वजह से ये समस्याएं होती हैं। इस उपभोक्ता संरक्षण के लिए ऐसी किसी वस्तु की सेवा में, गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसके लिए लोग उपभोक्ता अदालतों का शरण ले सकते हैं। उसमें बिल्कुल निःशुल्क प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति उसमें अभिभाषक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर पर अपना बात स्वयं दायर कर सकते हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता फोरम्स हैं और वहाँ बात दायर करके किसी भी प्रकार की जो सेवाओं में कमी है उसके प्रति अनुतोष पा सकते हैं। अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा आज स्थानीय अम्बेडकर भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में रामस्वरूप भारती, विधायक पन्नालाल शाक्य एवं कोली कोरी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता एवं कुरीतियों पर विचार विमर्श करना था। सभा में अतिथियों ने अपने विचार विमर्श भी रखे। अभिनंदन स्वागत करें आदरणीय जगन्नाथ जी साहेब यहाँ पधारे। जोरदार तालियां निरंतर चल। भारतीय कोली समाज की बैठक रखी गई, इसमें मुख्य अतिथि हमारे रामस्वरूप भारती जी, पन्नालाल जी हैं विधायक। समाज की एकता के लिए हमने बैठक रखी। हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू जागरण मंच के द्वारा आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई एवं पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। दूषित हो सकता है, बेकार आ सकते हैं, अहंकार आ सकता है, स्वार्थ की भावना आ सकती है, लेकिन भगवान ध्वज कभी भी दोषी या अपूर्ण सहित नहीं होगा, कभी उसमें दोष नहीं आएंगे, इसलिए हमने भगवान ध्वज को ध्वज माना। इसके बाद में जागरण के काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता हुई, पर संगठन हिंदू जागरण मंच की रचना की, जिसके रूप में आज हम सारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। अब हिंदू जागरण मंच की आवश्यकता क्या हुई? सेना के लिए, राज्य के प्रति खड़ा करने के लिए समाज को जागृत करना। हम देखते हैं, सुनने में आ रहा है, आज दिनांक 24/12/2017 को हिंदू जागरण मंच की मासिक जो जिला बैठक होती है उसका आयोजन रखा गया है कृष्णा पब्लिक स्कूल में। इसमें मासिक कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है और आगामी दिनांक की जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। और इसमें हमारे विशेष रूप से उपस्थित हैं श्री विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा जी, मैं जिला अध्यक्ष दीपक रजक। स्थानीय पीजी कॉलेज में विवेकानंद ग्रुप द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में जनवरी में विवेकानंद जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस बारे में विचार विमर्श भी किया गया।
हमारा संगठन विवेकानंद से और हम लोग सब यहाँ से कॉलेज से निकले हुए लोग और इसी एरिया से करवा लेते हैं। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है जहाँ को हम ध्यान में रखते हैं। आज से नहीं कई लगभग 10-15 सालों से इस तरह के आयोजन यहाँ पर करते रहे। ठीक है, विवेकानंद युवा सेवा संगठन जिसे हम विवेकानंद कहते हैं वो एक पूरे जनवरी माह में विवेकानंद का कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा के लिए आज हमने जो बैठक रखी है इसी सिलसिले में आज हमारे कुछ लोग नए लोग हैं, कुछ पुराने हैं, सब लोगों को मिला के अपन पूरी जनवरी माह में विवेकानंद जी के लिए कैसे पूरा कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं उसके चर्चा के लिए यहाँ हमारे बीच में हमारे युवा साथी आ गए और आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रमदान हमने जो कर लिया है क्योंकि हम जिस महापुरुष के नाम से संगठन बनाते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस महापुरुष के लिए। स्वामी विवेकानंद युवा सेवा संगठन जिसे हम विवेकानंद ग्रुप कहते हैं लगभग पिछले 15 वर्षों से स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने और समाज तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। अभी जो बैठक रखी गई है वो हमारे जनवरी माह में जो विवेकानंद जी का जन्मदिन आता है उसको विवेकानंद ग्रुप पूरे माह में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसमें कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक रखी गई है जहाँ आज का युवा हम देख रहे हैं कि सारी उम्मीदें युवाओं से टिकी हुई हैं और हमारा युवा आज के समय में उचित मार्गदर्शन या उचित आदर्श न मिलने के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इससे राष्ट्र और समाज को नुकसान हो रहा है। स्वामी जी ने कहा था कि राष्ट्र ही मेरा प्रत्यक्ष देवता है, जब तक मैं इस देवता की पूजा नहीं कर लूँगा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने योग नहीं रहूँगा। तो उसी श्रृंखला में आज हमने युवाओं से की एक बैठक रखी है। जनवरी माह में हमें व्याख्यानमाला है, प्रदर्शनी है, श्रमदान है, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना है, उसकी रूपरेखा आप तैयार की जा रही है। तेजस्विनी महिला मंडल द्वारा बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। सांस हमारे अंदर हमारी नाभि तक जा रही है, लंबी गहरी सांस लें, सांस को फील करें, समझें कि हमारे अंदर, देखें उसको कि हमारे अंदर कैसे सांस है, आंखों से लगाकर पूरे चेहरे से जो आपने सांस के माध्यम से ऊर्जा को लिया है वो ऊर्जा हमारे अंदर रहे। इस चेहरे को बनाना बिगाड़ना नहीं है, शांत मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, सभी बच्चे लंबी गहरी सांस। ये ना बच्चों का हमारा पिछले 5 सालों से ये बाल संस्कार शाला के उसमें हम लोग चला रहे हैं और इसमें हम लोगों को एक बात मन में आई, हमारा एक ग्रुप है तेजस्वी महिला मंडल करके, मन में एक बात आई कि बच्चों में जो बीजारोपण हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारा भारतीय अध्यात्म है बचपन से ही उनको देंगे तो उनका जीवन आगे और भी प्रखर होकर आएगा। तो यहाँ पर जो स्कूलों में हम शिक्षा बच्चों को व्यवसाय के लिए दी जाती है और हम बच्चों को यहाँ पर सभी लोग मिलकर जीवन विद्या देने का प्रयास करते हैं जिससे बच्चों का जीवन अच्छा हो और वो अच्छे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज नगर में एक संकीर्तन यात्रा निकाली गई। ये धर्म यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली। इस यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। यात्रा में पंच प्यारे आगे आगे चल रहे थे तथा महिलाओं द्वारा सुंदर कीर्तनों की प्रस्तुति भी दी जा रही थी। समाज द्वारा
आरोन में रघुवंशी समाज द्वारा दिवंगत सतीश रघुवंशी की आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण एक प्रतिभावान एएसआई का निधन हुआ। समस्त समाज के बंधुओं द्वारा एक होकर सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर ज्ञापन दिया गया। आपकी माध्यम से क्षेत्रीय रघुवंशी समाज का यारोन जिला गुना मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराया जाता है कि दिनांक 22/12/2017 की 17 तारीख आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में लगी हुई है, वहीं चाचौड़ा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में गायत्री मंदिर के सामने एक नाली है जो काफी समय से जाम है, जिससे वहां के रहवासियों को निकलने में काफी समस्या होती है और नाली की साफ सफाई न होने के कारण गंदगी भी भरी रहती है, जिससे बीमारी का खतरा भी मंडराता रहता है। और दूसरी ओर जहाँ चाचौड़ा नगर पंचायत पूरे चाचौड़ा नगर को स्वच्छ रखना चाहती है और स्वच्छता में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर वन रहना चाहते हैं, इसके बाद भी इस नाली की समस्या का निपटान अभी तक नहीं हो पा रहा। इस समस्या से परेशान होकर वार्ड क्रमांक 6 के नागरिकों ने इसकी शिकायत पार्षद अध्यक्ष नगर पालिका अधिकारी से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो वह खुद ही अपने हाथों से प्रतिदिन नाली की साफ सफाई करने लगे। उनकी इस समस्या को देखते हुए कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि गणेश सैनी ने उन सभी की मदद की तथा हर एक आम नागरिक को स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देने को कहा। इसके बाद नगरपालिका अधिकारी विनोद उन्नीतान व सब इंजीनियर रवि बुनकर ने भी अपना बयान देने से मना कर दिया तथा जल्द से जल्द काम कराने की बात कही। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। एक आम नागरिक के तौर पर मैं सफाई कर रहा हूँ, मेरे अंदर स्वच्छता की जागरूकता जागी है, इसलिए मैं सफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 साल से पानी भराया हुआ है और नगर परिषद का इसका ध्यान नहीं है। 2 साल से यहाँ पे पानी भराया हुआ है और बारिश में काफ़ी पानी जमा हो जाता है यहाँ पर कमर कमर तक। मतलब जो अभी ये पानी जमा होता है इसकी कहीं शिकायत वगैरह हुई पहले? शिकायत करिए नगर परिषद में, पर नगर परिषद वाले यहाँ पर देखने भी नहीं आए और कुछ हुआ भी नहीं है। 1 साल से चक्कर लगाना है नगर। आपका नाम? मेरा नाम गणेश सैनी, वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ मैं। आपके इंजीनियर साहब से सबसे 3-4 बार शिकायत कर चुका हूँ कि पानी निकला जाए, जो पानी भरा हुआ है और लोग बाग उधर से इतने परेशानी आ रही, वहाँ के स्कूल बच्चे जाते हैं वो भी उनमें गिर जाते हैं, कई बार अच्छा पानी भरा हुआ है और इसके बावजूद मच्छर कीड़े कंकड़े गंदगी बदबू वगैरह सब हो रही है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी बस बोल चुका हूँ, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक सुधार नहीं हुआ, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। उसको लगभग लगभग 6 महीनों से प्रयास कर रहे हैं सही कराने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई उसमें निराकरण नहीं किया। अभी दिल्ली के भाभा कॉलेज डेंटल साइंसेस ने भोपाल एवं राधोगढ़ के निवासी डॉक्टर साहिब अली पुत्र सलीम अली को दिल्ली के राजौरी गार्डन में इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड में हेल्थ केयर ऑस्कर ऑफ इंडिया अवार्ड में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड नवाजा गया। यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री हरिभाई सिंह चौधरी एवं रनर मिल्खा सिंह ने इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल अवार्ड की तरफ से सम्मानित किया गया। अवार्ड प्राप्त करते हुए डॉक्टर साहिब अली ने अवार्ड टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवार्ड वो अपने माता पिता के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक ड्राइवर होते हुए भी मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए पूरी मदद की और आज ड्राइवर के बेटे ने डॉक्टर बनकर सम्मान प्राप्त किया है, यह समाज के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन आज इस मुकाम तक पहुँचाने और इस लायक बनाने में, हमारे सपनों को साकार करने में हमारी हर वक्त मदद करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह एवं विधायक जयवर्धन सिंह ने पूरी मदद की। इस अवसर पर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने डॉक्टर साहिब अली को शुभकामनाएं देते हुए कॉलेज का गौरव बताया। भाभा ग्रुप के सीईओ प्रसाद पिल्लई ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाभा डेंटल कॉलेज के लिए गौरव की बात है एवं भविष्य में हमारे स्टूडेंट देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राधोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मध्य
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के BSW के द्वारा एकात्म यात्रा की जागरूकता रैली निकाली गई। इस यात्रा में BSW के छात्रों द्वारा वाहन रैली को पुलिस प्रशासन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़ में समाप्त हुई। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।